सर्वप्रथम मौरी सेवा संस्थान के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के लिए मौरी सेवा संस्थान के सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका जो उपस्थित जनसैलाब है, ये इस बात का प्रमाण है कि मौरी सेवा संस्थान ने जो किया है उसकी आशा आप लोग बहुत पहले से देख रहे थे। पिछले वर्ष भी सफल रहा, इस बार उससे बड़ा आयोजन स्थल यहाँ पे लिया गया है, फिर भी खचाखच भरा हुआ है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो समाज में एक दूसरे से मिलने की, एक दूसरे से बात करने की जो ललक है, उसी का प्रमाण है ये भीड़। और इसके लिए यदि कोई संस्था बधाई की साधुवाद की पात्र है तो वह मौरी सेवा संस्थान, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज 8 वर्ष होने को है, 7 मार्च को 8 वर्ष हो जाएंगे जब मौरी चौपाल की स्थापना अनुप भदानी जी और मैंने मिलकर की थी। आज 8 वर्ष होने को है, वहां पे हम लोगों ने 32,000 स्वजातियों को एकत्रित कर लिया है और आगे भी बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में हालांकि मुख्यतः काम हमारा मौरी मंडप और वैवाहिक चर्चा के द्वारा लोगों का सहयोग करना है, जिसके लिए जी न्यूज ने भी हमें सम्मानित किया। आप में से शायद सभी लोगों ने देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा हो यूट्यूब पे जाकर के मौरी मंडप जी न्यूज डाल करके सर्च कर सकते हैं। वहां पे मौरी मंडप के बारे में पहली बार देश के चैनल पे हमारी जाति का नाम लिया गया, हमारी इस सेवा को सम्मान दिया गया। इसके लिए आप लोगों ने जो प्यार दिया है मौरी मंडप को, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब उपस्थित जो यहाँ पर जो हमारे सामने मुद्दा रखा गया है, मौरी समाज का विकास कैसे हो, उसमें एकता कैसी हो, तो हमारा वैश्विक मौरी एकता मंच का तो नाम में ही एकता है, हम तो इसी के लिए काम ही करना चाहते हैं। और विवाह की जो सेवा है वह भी उसी का एक जरिया ही है। तो मौरी समाज का विकास कैसे हो, कैसे आगे बढ़े, यदि आप समझना चाहते हैं, यदि आप इस चीज के ऊपर काम करना चाहते हैं, इसका समाधान निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको पहचानना होगा कि समस्या क्या है, कहाँ है, ठीक है। और जो समस्याएं हैं यदि आप उनको बांटेंगे तो 3 स्तर की है, एक हमारे समाज और दूसरे समाज के बीच, एक हमारे आपके बीच, और तीसरी हमारे अंदर, एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक और पर्सनल। तो ये 3 प्रकार की समस्याएं हैं। एक्सट्रिंसिक समस्याओं की बात करें तो दूसरे समाज के और हमारे बीच के जो संबंध हैं उसके ऊपर यदि हम बात करें तो मौरी समाज वैसे समाज है और अन्य वैसे समाज की तरह है, सिर्फ हम ही नहीं अन्य वैसे समाज भी ऐसा ही है। हम अत्यंत शांति प्रिय सेक्युलर गैर जातिवादी समाज है, जातिवाद का लेश मात्र भी हमारे समाज में नहीं है, हम किसी जात को छोटा अछूत नहीं मानते हैं। और कोई भी वैश्य समाज जातिवादी हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अन्य जाति के लोग उसके दुश्मन नहीं बल्कि उसके ग्राहक हैं, और ग्राहक उसके लिए अन्नदाता लक्ष्मी देवता है। तो जो दूसरे पूरे समाज को देवता मानता हो वो समाज कभी भी सांप्रदायिक और जातिवादी हो ही नहीं सकता। लेकिन इसके बावजूद कई बार हमें वैसे समाज होते हुए शोषण झेलना पड़ता है। किस प्रकार का शोषण झेलना पड़ता है, उदाहरण देकर के बताता हूं आपको। अब आरक्षण के समर्थन में बंद बुलाया गया, पेट पे लात किसके पड़ी, बनिए के। आरक्षण के विरोध में बंद बुलाया गया, पेट पे लात किसके पड़ी, बनिए के। किसानों की समस्या है, बंद बुलाया गया, पेट पे लात किसके पड़ी, बनियों के। और किसी भी कोई दंगा फसाद हो गया, पेट पे लात किसके पड़ी, बनियों के। तो ऐसा क्यों होता है, आखिर ऐसा क्यों होता है कि हम ही, यदि आप किसान हैं और आप किसान का आंदोलन कर रहे हैं तो किसान से संबंधित कोई आंदोलन हड़ताल करें, बनिए की दुकान बंद कराने का क्या मतलब है? लोकतंत्र में सभी को अपना विरोध प्रदर्शन करने का, अपना विरोध दर्ज करने का बिल्कुल अधिकार है, लेकिन किसी और के पेट पे लात मारकर नहीं। मैं इसका समाधान क्या है, इसका समाधान हमारी एकता है, और जिसके लिए आपको स्थानीय स्तर पर प्रयास करना होगा। क्योंकि जब आपकी दुकान बंद कराने एक भीड़ आती है लाठी डंडे लेकर के, तो आपको और आपके स्थानीय समाज को खड़ा होना होता है। दूर से मौरी सेवा संस्थान के लोग या दिल्ली से कोई और या कहीं और से कोई और नहीं आएगा, तो यह आपके बीच में, खुद के बीच में बैठ कर के इसका समाधान निकालना होगा। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, यहां से वापस जाएं तो अपने समाज के लोग, स्थानीय समाज के लोगों के बीच में बैठें, सिर्फ अपने ही नहीं दूसरे समाज वैसे समाज के लोगों के साथ भी बैठें और इसका समाधान निकालें, जिससे कि हर बार आपको किसी भी विरोध का झेलना ना पड़े। अब एक चीज और है, एक जो समस्या मुझे दिखती है 8 साल के अनुभव से, वो ये है कि हम मुद्दा आधारित समर्थन और विरोध करना नहीं जानते।
किसी भी व्यक्ति व्यक्तिगत स्तर पर भी, सामाजिक स्तर पर भी। अब जैसे कि माना कि आपका पड़ोसी व्यापारी है और आपका पड़ोसी का व्यापार और आपका व्यापार एक ही है, आप उसके कंपटीटर हैं। उसके घर में अगर चोरी हो रही है, उसके घर में दबंगई हो रही है, उसके पास कोई दबंगई करने आ रहा है, आप ये सोचे खुश हो रहे हैं कि उसकी कमर टूटेगी, उसका व्यापार टूटेगा तो मेरा व्यापार बढ़ जाएगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। अगला नंबर आपका है, अगला नंबर किसका है? आपका है। तो इसलिए बेहतर है कि इस चीज से बाहर निकलिए। आपका उससे कंपटीशन है, आप उससे बिजनेस सीक्रेट्स मत शेयर करिए। उसके पास जाकर के आप अपने बिजनेस के बारे में मत बताइए, उससे बिजनेस में सहयोग मत करिए। लेकिन यदि उसके व्यक्तिगत उसके ऊपर कोई दिक्कत आ रही है, यदि उसके घर में चोरी हो रही है, आप देख रहे हैं अपनी खिड़की से कि उसके घर में, उसके दुकान में चोर घुस रहा है, तुरंत फोन उठाइए, उसको बोलिए, हल्ला मचाइए, क्योंकि वो चोर आपके घर में भी चोरी कर सकता है। इस चीज की बहुत जरूरत है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि सभी लोग ऐसा नहीं करते, बहुत लोगों में इस चीज की भावना है, लेकिन इस चीज के ऊपर में बहुत ज्यादा जरूरत है लोगों को सोचने की। एक और समस्या है, मेरी मेरे भाई से जमीन जायदाद का झगड़ा है, ठीक है, जमीन जायदाद का झगड़ा है, निपटा लेंगे भाई, लेकिन उसकी बेटी की शादी काटने के लिए झूठ बोलेंगे, ये कहां तक सही है? इस चीज से बाहर आइए, मुद्दा आधारित समर्थन और विरोध करना सीखिए, ये बिल्कुल गलत है। आप हमेशा विरोध करना सीखिए, नकारात्मकता न बढ़ाइए। अब दुश्मनी निभाइए लोगों से, दुश्मनी लोगों से निभाइए, लेकिन उसके चक्कर में इंसानियत मत खोइए। एक बच्ची की शादी में आप तकलीफ दे रहे हैं, ये आपकी इंसानियत आप खो रहे हैं, आप इंसान अपनी इंसानियत को छोड़ रहे हैं, वो मत किया कीजिए। दुश्मनी निभाइए, जमीन जायदाद का झगड़ा है और उससे 2 इंच ज्यादा ले लीजिए, वो जितना लड़ना है कोर्ट में लड़िए, जो करना है करिए, लेकिन इसके लिए इस प्रकार की चीजों में आगे मत बढ़िए। किसी भी व्यक्ति का विरोध करने का मतलब यह होता है कि वो जो बोले सबका विरोध करना है। अगर वो बोल दिया कि सूरज पूरब में उगता है, मैं मेरा विरोधी है, तो भैया मैं तो ये साबित करने में लग जाऊंगा कि सूरज पश्चिम में उगता। मैंने बड़ा एक्सट्रीम एग्जांपल दिया है, क्योंकि मैं एक्सट्रीम एग्जांपल ही देता हूं, इसे समझने में आसानी होती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपना ही मजाक बनवाएंगे। तो इसलिए मुद्दा आधारित समर्थन और विरोध कीजिए। और एक और समस्या है हमारी समाज की, जो मैं फेसबुक पे लोगों से इंटरेक्ट करने के कारण देखता हूं, निष्पक्षता के नाम पे निष्क्रियता। भाई साहब, निष्पक्षता क्या होती है? निष्पक्षता वो होती है कि आपने दोनों की अच्छाइयों, दोनों की बुराइयों के बारे में बात करी। निष्क्रियता वो होती है कि आप ना नहीं, सर पढ़ेंगे ही नहीं जी, हम इस पर कुछ बोलेंगे ही नहीं, ठीक है, तो वो गलत है। इससे गलत संदेश जाता है समाज में। फेसबुक पर आपको लगेगा फेसबुक पे ऐसा होता है जी, धरातल में ऐसा नहीं होता है। मैं नहीं मानता, फेसबुक धरातलीय परिस्थिति का आईना है, उसी का प्रतिबिंब है जो कि आपको दिखता है फेसबुक पर। मोहरी चौपाल में लोग जैसे हैं, वास्तविक जिंदगी में भी उसी प्रकार का थोड़ा बहुत कमोवेश मिल जाएगा आपको। तो यदि कोई व्यक्ति मामा खुरासनी वैष्णो देवी है, उनके नाम पे मांसाहार बेच रहा है और उसका हम विरोध कर रहे हैं चौपाल पे, कितने लोग साथ में आते हैं? 200 लोग। 30-32 हजार का ग्रुप है, 200 लोग साथ आते हैं। एक शब्द लिख नहीं सकते आप फेसबुक पे पर्सनली, क्या विरोध करिएगा? आपकी माँ है, आपकी जाति की माँ है, आपकी जाति की देवी है, और उनकी अस्मिता के ऊपर में प्रश्न खड़ा हो रहा है। एक बार अगर आप आवाज लगाएंगे ना, 30 हजार लोग एक साथ, गलत हो रहा है बस, और कुछ नहीं करने की जरूरत है। इतना यदि आप लिख देंगे ना, उतना ही काफी है अगले को समझने के लिए कि गलत है। उससे व्यक्तिगत विरोध नहीं है, उसके इस कार्य का विरोध है। तो इसलिए मुद्दा आधारित समर्थन और विरोध करिए। यदि कोई मौरी मंडप और मौरी चौपाल को बंद करवा रहा है, मौरी मंडप आपके सबके उपयोग के लिए है, बंद करवा रहा है, उसके लिए पोस्ट आ रहा है, हमने कहा कि अपील करा कि आप फेसबुक को फॉर्म भर करके भेजिए जिससे कि वो दोबारा चालू करें। कितने लोग भरते हैं फॉर्म? 500 हजार। ऐसा क्यों है कि आपके लिए कोई अच्छी व्यवस्था है, अच्छी कोई सेवा है, उसको कोई लांछन उस पर लगा रहा है, उसको कोई बंद करा रहा है, तो आप साथ में मिलकर खड़े नहीं हो सकते? यदि आप साथ में मिलकर खड़े नहीं होते तो ऐसी सेवा के लायक आप हैं ही नहीं, इस चीज को मान लीजिए। और जब तक आप अच्छे सही के लिए सही के साथ खड़े होना और गलत के विरोध में खड़े होना नहीं सीखेंगे, तब तक समाज आगे नहीं बढ़ सकता। इस चीज को नोट करके रख लीजिए, समाज में सही संदेश जाए ये बहुत जरूरी है। इसलिए गलत का विरोध और सही का समर्थन कीजिए। यस, मौरी सेवा संस्थान का यह आयोजन के पीछे हमारा समर्थन है, ये हमारा समर्थन इस आयोजन के पीछे है, क्योंकि यह आयोजन हमारी एकता को बढ़ाता है। यदि कुछ गलत होगा तो हम विरोध भी करेंगे, और ये सब में होना चाहिए, चाहे वो मेरा रिलेटिव ही क्यों ना हो। यदि वो गलत कर रहा है तो विरोध होना चाहिए, अगर अच्छा कर रहा है तो समर्थन होना चाहिए, चाहे वो मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो। एक और चीज है, आपसी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता है। जब भी समाज की बात होती है तो लोग मुंह ताकते हैं संस्थाओं का, चाहे वो जो भी हो, जातीय पंचायत हो, मौरी सेवा संस्थान हो। आप एक बात बताइए, किसी से का सहयोग करने के लिए, कुछ लोग कहते हैं हम तो गरीब ही है, हम कैसे करवाएं? सहयोग करने के लिए हमेशा धन की आवश्यकता नहीं होती, मन की आवश्यकता होती है। कई चीजों में मैंने देखा है
8 सालों में अनुभव है मेरा। अब जैसे सिंपल सी बात बताता हूँ, समाज की बात करूंगा तो शायद आपको समझ में ना आए। एक सिंपल, किसी को सही एड्रेस बता देना, कोई एड्रेस राहगीर आपसे पूछ रहा है एड्रेस सही क्या है, उसको बताने तक में लोग संकोच करते हैं। हमारे समाज की बात नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है। कई लोग गलत बताते हैं, मैंने तो देखा कलकत्ता में, जो अभी तो खैर गूगल मैप का जमाना है, हमें से जो लोग कंपटीशन देने बाहर जाते हैं वो क्या करते हैं कि बाहर जाते हैं कंपटीशन देने तो गूगल मैप से देख के चले जाते हैं। हमारे जमाने में ये नहीं होता था भाई साहब, हम हर एक पान वाले नुक्कड़ वाले ठेले वाले से पूछते थे, भैया ये वाला स्कूल किधर है, मुझे परीक्षा देने जाना है, एक घंटे में पहुंचना है। तो कलकत्ता में देखा था मैंने, एक नारियल पानी वाला ऐसे भड़का उससे पता पूछने का, जैसे लग रहा उसने पता ना पूछा उसके गले में से हाथ डालकर पैसा निकाल लिया। अगर ये भावना है आपकी जिसमें कोई खर्च नहीं है आपका, अगर इतना भी सहयोग नहीं कर सकते तो लानत है आपकी इंसानियत पे। और मोहरी मंडप के साथ एक समस्या, एक बिहार शरीफ के एक व्यक्ति थे, उन्होंने मुझे मैसेज किया, गौतम जी 6 महीने से परेशान था कि ये चर्चा वाला है क्या, मेरे कुछ रिश्तेदारों की शादी आपके इस ग्रुप से हुई है, मुझे मालूम चला कि कुछ ऐसा है फेसबुक पे जिससे कि शादी होती है, मैंने उसका पता करने का प्रयास किया, वो बताने को तैयार ही नहीं थे। भाई साहब ये समाज के लिए बनाया है, बता देंगे आपका तो आपकी बेटी का जिससे शादी हो रहा है उसी से होगा, उससे वो नहीं कर लेगा, ऊपर वाले जोड़ा बनाता है। तो इस प्रकार की भावना जब तक रखेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते, आपको अंदर में ये अपने आप में ये परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ेगी। आपका यहाँ पे हमारे समाज में बहुत सारे लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं हूँ या बाकी, बहुत सारे लोग हैं, हम सबको उसमें सम्मानित करते हैं। क्या आपको मालूम है कि अभी जो सागरमाला परियोजना में बनारस से कोलकाता तक का जो रूट चालू हुआ, उसमें जो जहाज लेके आने वाले जो लोग थे और जिस कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला वो हमारे माहौरी समाज से। अगर आप चौपाल से जुड़े होंगे तो मालूम होगा, और हमने इसका पोस्ट किया था और उस पर कमेंट देखिए कितने लोगों ने किया। क्या आपको मालूम है कि हमारे रुपए जो डेबिट कार्ड है उससे एक व्यक्ति जुड़े हुए थे, बहुत सीनियर पोजीशन पे थे, बैंकिंग सेक्टर में जो लोग हैं वो जानते होंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि समाज के लोग कहाँ कहाँ, यदि आप जानना चाहते हैं तो मौरी चौपाल से जुड़िए और देखिए, और उसमें उनकी प्रशंसा कीजिए, अपने बच्चों को दिखाइए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। आप किस तरीके से अगर करेंगे कि आप जानना ही नहीं चाहते, आप सोचते हैं कि पिछड़ा है कुछ है ही नहीं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा इस मामले में। बहुत देखिए, मैं यहाँ पे बोल तो रहा हूँ, बहुत लंबे लंबे लिखे हुए मेरे लेख हैं वैश्विक मौर्य एकता मंच पर, नोट सेक्शन में आप जाके पढ़ सकते हैं, जितना भी कम समय में मैं बोलना चाहता था वो बोलना चाहता हूँ। एक और भी है यहाँ पे, आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, जिसके लिए विशेष रूप से मैं आया हूँ, मेरी पूरी साथियों की टीम, 25 से 30 लोगों की टीम, जो ये ऑरेंज कलर का भगवा कलर का पट्टा लगा के यहाँ पे बैठे हुए हैं, हर जगह भीड़ में भी मिल जाएंगे आपको, महिला से भी एक है हमारे साथ, चास से आई हुई है, और वहाँ पे हमारा स्टॉल में भी लोग बैठे हुए हैं। तो 500 से अधिक हमारा, 550 के आसपास हमारा चर्चा है उस पे, उसके बारे में खुद भी लाभ लें, लोगों को भी बताएं। इसकी प्रक्रिया के संबंध में कोई समस्या हो फोन पे खोल के दिखा देंगे आपको। तो जोड़े ऊपर वाला बनाता है, एक अनुरोध है कि जोड़े ऊपर वाला बनाता है, और उसको मिलाने के काम में सहयोग करना ऊपर वाले के काम में सहयोग है, और इसीलिए आइए हमसे हाथ मिलाइए, किसी की जिंदगी संवारें और अपना भी परलोक सुधारें। हम ये काम जो कर रहे हैं वो इसलिए नहीं कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि शायद पता लोग, कई लोगों को पता है कई लोगों को पता नहीं होगा, मैं खुद डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में हूं, एक क्लास 1 अधिकारी हूं, और इस प्रकार के इतने बड़े आयोजन में तो कभी नहीं बोला, स्टेज अक्सर शेयर करता रहता हूं, 29 को मैं बड़ौदा जा रहा हूं उद्योगपतियों के बीच में श्रम मंत्रालय के बारे में बात करने के लिए, तो इस प्रकार की बातें होती रहती है, अपने लोगों के बीच में आके जो खुशी मिली है वो कहीं नहीं मिलती। तो इस प्रकार से हम जब अपना समय निकाल के दे सकते हैं कि भाई इसमें लोगों को जोड़ रहे हैं, आप इतना तो कर सकते हैं कि इसके बारे में यदि आपके पड़ोसी परेशान है कि उसकी बेटी की शादी करनी है, उसको पता नहीं है मौरी मंडप के बारे में, यहाँ से जाने के बाद उसको जरूर बताएं, कोई बात नहीं, उसे दुश्मनी है तब भी उसको बताएं, यदि उसको इसका लाभ मिलेगा कोई बात नहीं, वो थैंक यू ना बोले, मुझे भी नहीं बोलते लोग, कई लोग शादी हो जाने के बाद तो मुझे ब्लॉक मार देते हैं, शादी हो जाने के बाद उनको मैं बोलता हूँ भैया धन्यवाद, एक बार जरा सा फॉर्म भर दीजिए हमारा, कैसा लगा हमारा सेवा, ब्लॉक। तो ऐसे लोग भी हैं, तो इसकी चिंता ना करें, ऊपर वाला सब देख रहा है, कहने को बहुत कुछ है मेरे पास, आलेख हमारा उस पर मौजूद है, और जितने भी हमारे आलोक है दो तरफा संवाद वाले हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, आपको कुछ अच्छा लगा तो भी लिखिए, गलत लगा तो भी लिखिए, मैं जितना कुछ अभी बोल पा रहा हूँ आपके सामने समाज के बारे में, या जितना कुछ मेरे विचार है समाज के बारे में, वो अचानक एक दिन में नहीं आया है, ये 8 साल से आप लोगों के साथ इंटरेक्शन के बाद ही सीखा है मैंने कि क्या समाज के लिए जरूरी है, क्या सही है, क्या गलत है, आपकी आकांक्षाएं क्या है, आपको किस प्रकार से
समाज के साथ जोड़ा जा सकता है, इसकी जो मेरी समझ है वो इससे विकसित हुई है। तो एक बार यदि आपको लगता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, मेरा मेरी और कोई आकांक्षा नहीं, आपकी सेवा ही आकांक्षा है, रिटायरमेंट में बहुत साल है, रिटायरमेंट तक तो कुछ और विचार नहीं है मेरा, तो अभी 25-26 साल रिटायरमेंट को है, तब तक के लिए ये काम करूंगा, सब लोग भी मिलकर के करते रहे, और मेरा यही प्रयास रहता है कि सब लोग एक घंटा दें। हमारे साथ सभी लोग मौजूद है, अहमदाबाद से आकाश लाल जी आए हुए हैं, फिर हमारे कलकत्ता से आए हुए हैं नीरज जी, उनके भैया आए हुए हैं, बहुत सारे जगहों से, दिल्ली से हमारे साथ असित भैया आए हुए हैं, वो दिल्ली के मौरी सेवक हैं, लोगों को बताते हैं। तो आप देखें कि क्या भावना है लोगों की समाज सेवा करने की, अच्छे लोगों को एक आगे लाने का जो मेरा प्रयास था वो सफल हो रहा है। करीब 50-60 लोग हैं हम लोग जो देश भर से आगे, आप भी मौरी सेवक बन के आगे आ सकते हैं, लोगों को बताने के लिए अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं, हमारा एक लिस्ट है जहाँ पे लोग आपसे पर्सनली आके मिल करके हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि सभी लोग टेक्नोलॉजिकली उतने एडवांस नहीं है, तो उसमें हमारे साथ जुड़िए। और यदि आपको मेरी बात अच्छी लगी तो जरा सा एक बार, क्योंकि माँ मद्रासिनी की का जयकारा ना हो, मौरी एक जगह इकट्ठा हुआ पता नहीं चलेगा, तो एक बार ऐसा जयकारा लगाया जाए कि माइक भी फेल हो जाए, आपका जयकारा मेरी आवाज क्योंकि माइक से जा रही है आपके पास, स्पीकर से जा रही है, एक बार जरा ऐसा जयकारा लगाया जाए कि पूरा गया सुने कि यहाँ पे गांधी मैदान में मौरी लोग जमा हुआ है, ये क्या जाति होती है जरा समझ में आ जाए, भदानी होता है, मौरी क्या होता है, भदानी, अच्छा अच्छा अच्छा, उनको पता ही नहीं है, क्योंकि भदानी जानते हैं यहाँ पे लोग, कुछ लोग आगे हैं भदानी में, तो इसलिए सबको भदानी समझते हैं वो, और बाकी जगह पे जाइए तो मौरी क्या होता है उनको पता ही नहीं है, तो हमें बताना उमरवाड़ी जैसी एक जाति होती है भाई साहब, तो यहाँ पे एटलीस्ट गया में भी लोग समझे कि मौरी क्या होता है, एक बार जरा साहब मामद्रासिनी माँ का जयकारा लगाएंगे, हाथ उठा करके पूरे आवाज के साथ बोलिए मामद्रासिनी माता की।